हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग हो रहा है मॉर्निंग से स्टार्ट। यहाँ पे मैं अपने टाइम में उठ गई थी, जो मेरा टाइम होता उठने का, पर उस दिन हस्बैंड का ऑफ था सैटरडे, तो सैटरडे का उनका ऑफ था, उन्होंने ऑफ लिया हुआ था। तो मुझे शॉक्ड हो गई जब मैंने सुबह बोला कि ऑफिस जाना नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा तो ऑफ है। तो उन्होंने माँ को सरप्राइज़ दे दिया। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने काम करने लग गई। तो अनायशा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उसके पापा का ऑफ होता है, क्योंकि बच्चों को खेलने को मिल जाता है, घूमने को मिल जाता है अपने पापा के साथ। तो उसके बाद मैं काम थोड़ा स्लो करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि आज ऑफ है तो आराम से ब्रेकफास्ट बनेगा। तो 10 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट बन ही गया था। तो मैं यहाँ पे झाड़ू दे दिया था, बाकी और थोड़े बहुत काम थे, बर्तन वगैरह सुबह के वो वॉश हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने पनीर लाया था, शाम को मैंने वही मॉर्निंग में बनाया। तो मैं पनीर सिंपल तरीके से बना रहा हूँ। मैंने टमाटर और प्याज को इकट्ठा चॉप करा और पनीर मैंने बड़े बड़े क्यूब से काट दिया था। और उसके बाद आप सिड्डू मेकर का डब्बा भी देख रहे हो, सिड्डू बचे हुए थे, एक दो सिड्डू बचा हुआ था। तो हम लोगों ने मैंने वो रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा मैं बॉयल कर दूँगी कभी एक टाइम शाम को या आफ्टरनून में। तो उसके बाद मैंने ये दोनों प्याज और टमाटर को चॉप कर दिया है। और उसके बाद मैं कढ़ाई लगाऊंगी और इसको सिंपल तरीके से इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बिल्कुल सिंपल था, उसमें कुछ ज़्यादा मसाले मसूले कुछ ऐड नहीं करे थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पनीर बिल्कुल सिंपल खाना पसंद है। और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और उसके बाद ये जो जीरा होता है, हींग होती है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इस तरह से पनीर बनाऊँगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालती हूँ और थोड़ी सी मलाई डालनी होती है, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें सब कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी, जो मैं बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ सभी दाल और सब्जियों में, वैसे ही मैंने पनीर में डाले, कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला इसमें। तो ये देखिए टमाटर प्याज इकट्ठा डाल दिया है और उसके बाद मैं ये ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से पनीर बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो मैंने भी कर दिया और अनायशा के पापा और अनायशा को भी दे दिया था। और उसके बाद में बर्तन साफ़ करने की बारी आई है, भांडा बर्तन धोने की। तो यहाँ पे मैं पनीर थोड़ा सा बच गया था, तो उसमें छोटे बर्तन में निकाल रही हूँ। और उसके बाद मैं सोच भी रही थी कि दिन को क्या बनाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का हो चुका है तो अब दिन का सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है तो टाइम का पता नहीं चलता। उसके बाद आटा मैं निकाल रही हूँ, छोटे बर्तन में आटा मैंने ज़्यादा लगाया था, तो मैंने सोचा था दिन को अगर कुछ बनाऊँगी थोड़ी बहुत चपाती भी बना दूँगी। पर साथ साथ में ये भी सोचना पड़ता है कि दिन को क्या बनाना है, क्योंकि खाना बनाना तीनों टाइम बनाना और सोचना सबसे बड़ी टेंशन है, कि सोचना क्या सोचे बनाने की। बनाना जल्दी बन जाता है पर सोचने की टेंशन हो जाती है कि तीनों टाइम क्या अलग अलग बनाएं,
क्योंकि अब सबकी पसंद का तो बना नहीं सकते, कभी बिना पसंद का भी बनाना पड़ता है, तो सबकी घर की यही टेंशन है, तो ऐसे ही चलता रहता है सारे दिन। मैं सो के उठ के भी सोचो कि मॉर्निंग में क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, दिन को क्या बनाना है, बस यही टेंशन होती है बनाने की। और बच्चे खाते भी नहीं है और साथ में फिर ये भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ, साथ में अपना और भी काम दिन का सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, और साथ में पतिदेव से भी पूछती रहती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, वो बोलते जो आपका मन करा है वही बनाओ, पर फिर ये लगता है कि क्या मैं बनाऊँ। तो यहाँ से मैंने सोचा कि मैं पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ उसके बाद सोचूंगी। तो यहाँ पे मैंने आज एक नया काम ढूंढा है, विंडो साफ़ करने का। मैंने साफ़ तो करी थी कुछ दिन पहले, पर उस टाइम बंद कर दी थी। अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फ़ैन चल पड़े हैं रात को और मच्छर बहुत ज़्यादा है आ चुके हैं, तो इसीलिए फैन से चलाने पड़ता है रात को, नहीं तो मच्छर वगैरह काट देते हैं। तो नायशा को तो बहुत ज़्यादा काटते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ऑल आउट से भी नहीं, अब तो ऑल आउट लगा के भी मच्छरों ने आतंक मचाया हुआ है। तो यहाँ पे भी विंडो साफ़ करूँ क्योंकि रात को खोल देते हैं विंडो, तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, जब से बारिश बहुत टाइम से हुई नहीं है और धूल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, विंडो वगैरह में बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अनायशा के पापा भी घर पे है तो वो अनायशा को देख लेंगे और फिर अपना काम कर लूँगी। पर अनायशा तो मेरे साथ ही वहीं खड़ी हुई थी और मेरे साथ बातें कर रही थी कि आप क्या कर रहे हो, उसको सारा कुछ बताना पड़ता है कि क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो वो सब कुछ। तो मैंने अंदर से साफ़ कर ली थी, तो मैं उसके बाद बाहर जा रही हूँ, और जो बाहर की बालकनी हमारी बहुत छोटी है तो वहाँ पर डोर फंस जाता है, तो इसलिए और बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो उसके बाद अनायशा और अनायशा के पापा ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं बाहर गोलगप्पे खाने, तो वो गोलगप्पे खाने गया, मैंने बोला कि मैं नहीं आ रही, मैं सफ़ाई कर लेती हूँ, तो क्योंकि जब तक वो नहीं आए तब तक मैं सफ़ाई कर लेती हूँ। और उन लोगों को गोलगप्पे वाले मिले ही नहीं, क्योंकि गोलगप्पे का स्टॉल बंद था, तो उतने में वो वापस आ गए थे जितने में मैं पूछा देके ख़त्म हो गई थी। और जितने बाहर मैं पूछा देने गई और अनायशा वहाँ गिर गई, गिरी अपने पापा की गोदी से पीछे को से लग गया उसका, तो उसने बहुत रोना शुरू कर दिया, तो फिर मेरा पोछा आधे में ही रह गया। और फिर इस वीडियो को भी मैंने एंड कर दिया है, और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि अनायशा बहुत रो रही थी और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई उसको, उसके बाद मैंने शूट भी नहीं करा। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।